एक पोंडू नाम का आदमी था। पोंडू गांव में जाकर कच्चा बादाम यानी कच्ची मूंगफली बेचता था। एक दिन की बात है, आज दूसरे गांव में बादाम बेचने जाता हूँ। नए गांव में नए लोग मेरा गाना सुनेंगे और कच्चा बादाम भी खूब खरीदेंगे। और पोंडू दूसरे गांव की तरफ गाना गाता गाता निकल पड़ता है। बाजी आ गए दूसरे गांव, अब शुरू करता हूँ अपना गाना। पर तुरा हतर बाला था के जोड़ी सिटी गोल्डन चेन दिए जाबेन ताते शोमन शोमन तुमरा बादाम पाबेन बादाम बादाम दादा बादाम बादाम अमर काचे नहीं गु गु बुझा बादाम 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 दादा बादाम बादाम। गाना सुनकर बहुत से बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। काका मुझे भी दो कच्चा बादाम, मैं कैसे लूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे बेटा ये जो मैं गाना गा रहा हूँ ये बस गाना नहीं है, ये हमारी बंगाली भाषा में मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई भी टूटा मोबाइल, तुम्हारी मम्मी का टूटा कंगन, टूटी चेन जो भी है वो ले आओ और कच्चा बादाम ले जाओ। अच्छा काका फिर तो मैं अभी आया। और अपनी मम्मी को बताता है, ये तो बहुत अच्छा है, वैसे भी टूटा फूटा सामान मेरे किसी काम का नहीं है, ले ये कड़ा और ये चेन ले जा। ये लो अब मुझे भी कच्चा बादाम दे दो और हाँ एक बार वो गाना भी सुना दो। पोंडू बच्चे को गाना सुना देता है और सब बच्चे खुश हो जाते हैं। आज तो सब बादाम बिक गए, चलो घर चलता हूँ। पोंडू अपने गाँव की तरफ निकल जाता है, तब तक अंधेरा भी हो चुका था। बाप रे इतना घना जंगल है, दिन में तो बिल्कुल डर नहीं लगा लेकिन अब राम राम राम। तभी पोंडू को किसी के रोने की आवाज आती है। इतने घने जंगल के अंधेरे में ये कौन रो रहा है, कौन हो भाई और तुम हो कहाँ और क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? पोंडू इधर उधर देखता है, तभी उसे एक पेड़ के पीछे से किसी आदमी के रोने की आवाज आती है। पोंडू जाकर देखता है। अरे भाई क्यों रो रहे हो? भूख लगी है। अरे भाई भूख लगी है तो रोने की क्या जरूरत है, खाना खा लो। हाँ अब तुम आ गए हो तो मैं खाना खा ही लूंगा। मैं आ गया हूँ मतलब? अरे भाई मेरे पास कोई खाना नहीं है, आज तो मेरे पास कच्चा बादाम भी नहीं है, अगर होते तो वही तुम्हें दे देता, उन्हें खाकर कुछ तो भूख मिटती। मेरी भूख कच्चा बादाम खाकर नहीं मिटेगी, मेरी भूख तो कच्चा बादाम खाने वाले को खाकर मिटेगी। भाई तुम कहना क्या चाहते हो, पहले तो अपना मुंह दिखाओ, मेरी तरफ देखकर बात करो। तेरी तरफ देखू, ले देख लिया तेरी तरफ। अरे ये तुम कैसे दिख रहे हो, कौन हो तुम? वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक भूत था जो इंसानों को खाता था। मैं काफी सालों से इस पेड़ में कैद हूँ, मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, भूख प्यास से कितने सालों से तड़प रहा हूँ, तुम मेरी आवाज सुनकर आए, मुझे अच्छा लगा, अब मुझे यहाँ से मुक्त करो। पोंडू डर कर भागने लगता है, तभी भूत जल्दी से पोंडू का गला पकड़ लेता है। जाता कहाँ है, पहले मुझे इस पेड़ से आजाद करवा। मैं कैसे आजाद करवाऊं, छोड़ दो मुझे जाने दो। इस पेड़ में एक कील गड़ी हुई है, उसे इस पेड़ से निकाल दे, फिर तुझे जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। पोंडू पेड़ से कील ढूंढ कर निकाल देता है। जैसे ही पोंडू कील निकालता है भूत पेड़ से अलग हो जाता है। अब मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, अब मुझे जाने दो। तुझे जाने दूंगा तो मेरी भूख कौन मिटाएगा। भूत पोंडू को पकड़कर उसका खून चूसने लगता है। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। कितने दिनों बाद ताजा खून पीने को मिल रहा है। और वो भूत पोंडू के शरीर पर कब्जा कर लेता है। क्लासी शोज टीवी। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ शेयर करना ना भूलें, और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन्स दबाएं। देखते रहिए क्लासी शोज़ टीवी।